यूपी में यात्रा के घुसते ही राहुल को मिला राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी का साथ। छटपटा उठे योगी और मोदी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने यात्रा की सफलता के लिए राहुल गांधी पर भगवान श्री राम की कृपा की कामना की। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को भेजे एक पत्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने के कदम के लिए अपना समर्थन दिया। सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को लिखा कि मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन के लिए आप लड़ रहे हैं वह सफल हो। मैं आपको आपके लंबे जीवन का आशीर्वाद देता हूं। मुख्य पुजारी ने कहा कि आप लोगों के हित में और लोगों की खुशी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। मैं भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनाए रखना चाहता हूं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले वर्ष 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुरू हुई थी और अब तक 10 राज्यों से गुजरते हुए 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। इस महीने यह यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा वर्तमान में शीतकालीन अवकाश पर थी और 3 जनवरी मंगलवार को फिर से शुरू हुई। यात्रा ने 3 जनवरी को दोपहर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रवेश किया और बागपत के मविकला गांव में रात का विश्राम किया। 4 जनवरी को सुबह यात्रा फिर से शुरू होगी और शामली से गुजरेगी। 5 जनवरी की शाम पानीपत के सनौली होते हुए भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।